हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे ताकि आपको चीजें जो है समझ में आ जाए, किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, तो इसको हम करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। पर उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि आपको किस तरीके से आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करके हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको हमारे चैनल को यहाँ पे आने के बाद सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ है, यहाँ पर रेड कलर का बटन दिखेगा जहाँ पे आपको सब्सक्राइब दिखेगा। आपको सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, फिर बेल आइकन दबाना है ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ ये जो ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा है, इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद, इग्नो बीकॉम वाले सेक्शन में आने के बाद, यहाँ पे फिर से आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा ब्लू कलर में। आपको इसको क्लिक करना है, और क्लिक करके जो एक नॉमिनल सा फी आपसे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, आपको उसको पेमेंट कर देना है। और उस पेमेंट करने के बाद आप हमारे चैनल का मेंबर बन पाएंगे, मेंबर बन पाएंगे। मेंबर बनने के बहुत सारे फायदे हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा। जिस तरीके से आप ट्यूशन पढ़ते हैं पूरा डेडिकेटेड होकर के, यहाँ पे भी आपको वैसा ही करना है, डेडिकेटेड होकर के स्टडी करना है। स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलने वाला है 24/7। आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सबसे बड़ा हेडेक जो होता है इग्नू में वो असाइनमेंट्स का होता है, राइट? कि असाइनमेंट्स आप किस तरीके से टाइम पे आप जमा कर पाए, लिख पाए। तो असाइनमेंट्स का जो हेडेक है वो हम लेंगे, आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस उसको देख करके उतार लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया कि आपको अगर नोट्स चाहिए, देखो जो हमारे वीडियोस है वो सफिशिएंट है, वेबसाइट पे भी नोट्स अवेलेबल मैं कर दूंगा। लेकिन अगर आपको पर्सनलाइज नोट्स चाहिए जो कि हम प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा अमाउंट पेमेंट करना है, वो भी आपको 40% डिस्काउंट पे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट व्हेनेवर यू विल टेक आवर मेंबरशिप प्लान। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेलिस्ट। जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको एक सजेशन में देना चाहूंगा कि जब भी आप पढ़ें तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जरूर आएं। यहाँ पे आपको यहाँ पे सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। इग्नू बीकॉम न्यू नाम से हमारा जो सेक्शन है वो है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको दिखेंगी। आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं इसमें, सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वीडियोज यहाँ पे अपलोडेड है, और भी वीडियोज इन फ्यूचर अपलोड होंगी। तो ये सारी की सारी वीडियोज आपको हेल्प करेंगी अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में लाने में, राइट? तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। बैक टू आवर टॉपिक जो कि हमारा है मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना, आई मीन टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, ये हम करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला टॉपिक हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग है, बट इसके पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू उसको कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोगों ने मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल जो है कॉस्टिंग में किया जाता है, राइट? सो व्हाइल द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस एंड प्रैक्टिस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, द टाइप ऑफ कॉस्टिंग रेफर्स टू द टेक्निक एंड द एनालाइजिंग द प्रेजेंटिंग कॉस्ट ऑफ पर्पस ऑफ द कंट्रोल एंड मैनेजेरियल डिसीजंस, है ना। तो एक तरीके से मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग जो है वो आपको ये बताता है कि किस तरीके से आप अपने कॉस्ट एसरटेनमेंट का जो काम है, जो प्रोसेस आप उसको पूरा करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जो टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग होता है, समटाइम्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग को मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के साथ। तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग अलग होती है, जहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते हो कॉस्टिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए, अपने कॉस्ट एसरटेनमेंट के लिए। बट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग का मतलब होता है कि आप किस तरह की कॉस्टिंग का जो है इस्तेमाल कर रहे हो अपने कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए, और सेम चीजें मैनेजरियल जो डिसीजंस लिए जाते हैं उन तक वो चीजें पहुंचाने के लिए, ताकि वो डिसीजंस जो है सही टाइम पे ले पाए। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग यहां पे मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला है मार्जिनल कॉस्टिंग, दूसरा है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, और तीसरा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। इट रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग व्हिच एम्फसाइजेस द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड कैलकुलेट्स द कॉस्ट ऑफ अ जॉब और अ प्रोडक्ट विदाउट टेकिंग फिक्स्ड कॉस्ट इनटू अकाउंट। इट एलोकेट्स ओनली वेरिएबल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन एंड इज नोन एज वेरिएबल कॉस्टिंग, है ना। सो यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब है वो यही है कि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को एक तरीके से अलग थलग कर दिया जाता है। करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है आपके जॉब एंड प्रोडक्ट के बेसिस पे कि आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा कितना है, वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा कितना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, वेरिएबल कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली इस्तेमाल होते हैं उसको हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो जो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट है आपके प्रोडक्शन में, वो आप यहाँ पे डिटरमाइन करने की कोशिश करते हो बाई डिफाइनिंग व्हाट इज फिक्स्ड एंड व्हाट इज वेरिएबल, राइट। और समटाइम्स इसको जो है वेरिएबल कॉस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपका जो मेन एम्फेसिस है
है ना, ये एलोकेट करता है आपके वेरिएबल कॉस्ट को। इसका जो मेन इम्फेसिस होता है वो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होता है, इसलिए हम इसे वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोलेंगे, है ना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये अगला एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे छोटे से में लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको रीड आउट नहीं कर पाया था पहले में, बट मुझे दिख गया था तो ये मैं भी आपको करा देता हूँ। मैं यहाँ पे स्किप करने वाला था बट मैं ये मुझे दिख गया था मैंने पहले, तो मुझे ये भी कराना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ चार तरह की कॉस्टिंग के बारे में बताया गया है, टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में। दूसरा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नाउ इट रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग अंडर विच फुल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्शन, दैट इज बोथ फिक्स्ड एसेट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब हो गया कि एक ऐसा टेक्निक जहां पे जो भी आपका खर्च हुआ है, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट से हो या फिर वेरिएबल कॉस्ट से हो, ये दोनों के दोनों कॉस्ट जो है आप चार्जेस करोगे अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है, तो एक प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी खर्च पड़ता है उसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। सेल ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपने नाम सुना होगा, है ना। तो उन सब चीजों में नहीं जाना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि एक प्रोडक्ट को बनाने में आपको जितना रुपया खर्च हुआ है उसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बोलेंगे। तो जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का जो फाइनल वैल्यू होगा उसमें हम एक तरीके से चार्ज करते हैं हमारे बोथ फिक्स्ड कैश जो चार्ज करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर, हमारे बोथ जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं और जो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट इज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का क्या होती है, नाम से पता चल रहा है कि हिस्ट्री की बात की जा रही है। पहले का जो आपका कॉस्ट आप निकाले हो किसी चीज का, किसी प्रोडक्ट का, उसके बेसिस पे आप प्रेजेंट कॉस्ट को निकालने की कोशिश कर रहे हो बाय कंपेयरिंग द प्रेजेंट कॉस्ट विद द हिस्टोरिकल कॉस्ट, है ना। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का मतलब यही होता है कि आप हिस्ट्री जो प्रीवियस जो कॉस्ट है आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, तो उसे हम हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहेंगे। इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अंडर विच costs are ascertained only after they have been incurred. इनको ascertain तभी किया जाएगा जब ये previously incur हो चुके होंगे, पिछले सालों में ये incur already हो चुके हैं, इसके basis पे आपको जो है cost को determine करना है। तो आप history का इस्तेमाल कर रहे हो, पहले के समय का इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पे इसे हम कहेंगे historical costing. In other words, the accounting is done in terms of actual cost and not in terms of predetermined or standard cost. यहाँ पे जो accounting की जाती है वो actual cost के according की जाती है, ना कि accounting is done in terms of actual cost and not in the terms of predetermined or standard cost. है ना? तो जो accounting यहाँ पे की जा रही है वो actual cost के basis पे की जा रही है, ना कि जो आपने पहले से determine करके रखी थी या फिर जो आपका standard cost है उसके basis पे। तो historical costing में जो आपका एक्चुअल कॉस्ट होता है उसके बेसिस पे जो है आपके अकाउंटिंग को किया जाता है और आप यहाँ पे कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हो। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, है ना। तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पहले से पता होता है कि प्रीवियस ईयर्स में हमारा इस चीज को बनाने में इतना खर्चा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, उसके बेसिस पे वो एक्चुअल कॉस्ट को निकालते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि भाई क्या डिफरेंस आया है, क्या वेरिएबल्स हैं और किस तरीके से उन वेरिएबल्स को रिड्यूस किया करके प्रोडक्ट के प्राइस को गिराया जा सकता है। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट का इस्तेमाल जो है मैक्सिमम अभी के टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज हैं, वो उसका इस्तेमाल करती हैं। नाउ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अंडर विच कॉस्ट्स आर डिटरमाइंड इन एडवांस और सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, है ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के तहत क्या होता है कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पहले से आप डिटरमाइन करके रखते हो कि इस चीज में जो है हमारा खर्चा इतने रुपए का आने वाला है, है ना। तो प्री डिटरमाइंड यहाँ पे स्टैंडर्ड्स की बात की जा रही है कि हम पहले से डिटरमाइन करके रख रहे हैं कि ये हमारा जो है खर्चा होने वाला है, राइट। तो इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्योंकि आप पहले से ही एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो कि यहाँ पे हमारा इतना जो है खर्चा होगा, इसलिए हम इसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। दीज आर नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्ट विच इंडिकेट द लेवल ऑफ कॉस्ट दैट शुड बी अटेंड अंडर अ गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशंस, है ना। तो जो भी ऑपरेटिंग कंडीशंस अभी आपके पास आपको पास हैं, जो आप जिस भी ऑपरेटिंग कंडीशन में आप काम कर रहे हो, उस ऑपरेटिंग कंडीशन में काम करते हुए स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया जाता है कि आपका कॉस्ट जो है इतना रुपया तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, कम नहीं जाएगा। एक स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाला जाता है कि इतना रुपया जो आपका खर्चा हो सकता है, समटाइम्स कम भी हो जाता है, समटाइम्स ज्यादा भी हो जाता है, बट एक स्टैंडर्ड निकाला जाता है अंडर द सर्टेन ऑपरेटिंग कंडीशंस के तहत, है ना। So the standard cost are compared periodically with the actual cost and underlying causes, है ना। तो जो standard cause होते हैं उसको एक तरीके से compare किया जाता है periodically actual cost के साथ, और ये check किया जाता है कि ये जो differences आ रहे हैं वो किन किन कारण से आ रहे हैं। They analyze for the variances are analyzed so that corrective actions may be taken where necessary. तो जहाँ भी corrective actions लेने की जरूरत पड़ती है वहाँ पे वो corrective actions ले पाए, इसलिए जो भी variances हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको उनको जो है analyze किया जाता है,
right? Thus, having adapted a method of costing suited to the nature of activity in which the undertaking is engaged, this is then the choice opened with regard to the way in which the costing information is to be presented for control purposes. है ना, यहाँ पे वही बात बोलेगी कि जो आपका जो अडॉप्शन होगा कि आप किस मेथड का इस्तेमाल करोगे, किस टाइप का इस्तेमाल करोगे, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपकी कंपनी किस तरह की है, आपकी कंपनी का काम जिस तरीके का होगा आपको उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपने अपने मेथड्स को या फिर अपने टाइप्स को जो है आपको चूज करना होता है कि इस मेथड या फिर इस टाइप का इस्तेमाल जो है हम अपनी अकाउंटिंग में करेंगे, है ना. सो इधर मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मे बी इंप्लॉयड एंड इधर एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट मे बी अडॉप्टेड to ascertain the actual cost, to ascertain and account for cost, है ना. तो यहाँ पे marginal costing का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, absorption costing का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप जो types of costing है, actual cost या फिर standard cost का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आप costing जो cost है किसी भी product का उसको आप निकाल सको, right? So these are the four points, four types of costing जो मैंने अभी आपको बताई है. यहाँ पे जो main जो एक पॉइंट छूट गया था वो था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसको मैं थोड़ा सा और डीप ग्रीन कर येलो कर दे रहा हूँ, जिसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा, है ना. ये एक पॉइंट छूट गया था जिसको ब्लैक एक तरीके से बोल्ड नहीं किया गया है. तो ये चार पॉइंट्स हैं, ये चार टाइप्स हैं कॉस्टिंग के जो मैंने अभी आपको बताए हैं. आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा. पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें. मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें. बाय बाय, थैंक यू.